आज मैं आपसे बात करूंगा पेट में गैस कैसी होंगी खत्म, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेट में गैस होने का प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को है, और उससे होता क्या है कि एक तो सोशली बहुत अकवर्ड फीलिंग होता है, अच्छा लगता नहीं है क्योंकि पेट में गैस हो गई और नीचे से गैस जा रही है, आवाज़ हो रहा है, बास आ रही है, तो बहुत ही अकवर्ड फील होता है। और दूसरा, ढकार आती है, मुंह से निकलती है, ढकार आती है तो भी अकवर्ड फीलिंग होता है, ढकार दे रहे हैं आप, या फिर पेट फूल जाता है तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब इसके कारण बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कि लीवर की बीमारी है, पैनक्रियास की बीमारी है, इसमें एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर तो ये गैस बनते कैसे है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग खाना जो हम खाते हैं उससे गैस बनती है, और हमको चाहिए ये ब्लोटिंग से, मतलब फुलनेस जो है, पेट का फुलनेस, उससे छुटकारा। क्या होता है, उससे टाइटनेस होता है, बहुत टाइट लगता है पेट, ऐसा बड़ा बड़ा लगता है, फुलनेस लगता है, प्रेशर लगता है, और बहुत ही अनइजी होता है, ठीक नहीं लगता काम करने में। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हम खाना जो खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम्स। अभी हमारे पेट में यदि एंजाइम्स कम है तो फिर वो डाइजेशन बराबर होगा नहीं, क्योंकि एंजाइम्स उसको ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और शुगर कन्वर्ट होती है, मतलब शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर कन्वर्ट होने हो गई एक बार तो शुगर एब्सॉर्ब हो जाती है। अब समझो एंजाइम्स ही लो है तो प्रॉब्लम है। अब एंजाइम्स लो हो सकता है कि लीवर की बीमारी है, पेट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, पैनक्रियास की बीमारी है, उसकी वजह से एंजाइम्स कम हो सकते हैं। वैसे उम्र बढ़ने से भी एंजाइम्स कम होते हैं। दूसरा कारण जो है कि कुछ हम खाना खाते हैं वो यदि खाना एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो नीचे इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ उसको बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं, और बैक्टीरिया जब ब्रेक करते हैं वो पूरा डाइजेस्ट होता नहीं है और वहाँ से फिर गैस पैदा होती है। तो कौन से खाने, मतलब खाना जो है हार्ड है, हार्ड टू डाइजेस्ट बाय एंजाइम्स, एक तो बीन्स है, दाल, लेंटिल्स, फिर एयरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला टाइप ड्रिंक्स जो है उसमें बहुत एयर है, और स्पेशली जब हम स्ट्रॉ से पीते हैं तो काफ़ी गैस जाती है अंदर, या फिर गेहूँ ज़्यादा खाने से होता है, गेहूँ खाते हैं तब, लहसुन, गार्लिक, अनियन, प्याज, तो ये खाना जो है ये हार्ड टू डाइजेस्ट है बाय एंजाइम्स, और फिर उसमें गैस ज़्यादा बनती है। तीसरा कारण जो है कि हम ज़्यादा फास्ट जब खाते हैं, बहुत स्पीड से खाना खाते हैं और बातें करते करते खाना खाते हैं, तो तब हवा अंदर जाती है और फिर वो हवा बाहर वापस आएंगी, एक तो बेल्चिंग से, ढकार से आएंगी या नीचे से जाएंगी, तो ये ऐसे कारण होते हैं। और फिर लीवर की बीमारियाँ जिससे समझो पीलिया होता है, या फिर पैनक्रियास की बीमारी है जिससे एंजाइम्स कम होते हैं, तो उससे भी होता है। हमारे यहाँ सन्मित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र में फ्री इलाज होता है ये बीमारियों का, मतलब पैनक्रियास की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, पेट की सभी बीमारियों का इलाज विनामूल्य होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत यह बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए है, एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ संपर्क करके आप मुफ्त में इलाज कर सकते हैं। आपको लाना है आपका राशन कार्ड केसरी रंग का या पीले रंग का, तो डेफिनेटली आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। तो अब ये जो है ब्लोटिंग, इसका इलाज मतलब इसका और क्या कारण है, और कारण है टेंशन, प्रेशर, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल कम हो जाती है, और सेरोटोनिन लेवल कम हो गई तो फिर प्रॉब्लम पेट की आ जाती है, पेट विकार हो जाते हैं। इसमें इलाज क्या है, एक तो एंजाइम्स लो, एंजाइम की टैबलेट जो मिलती है वो ले लो, गैस कम करने की गोलियाँ एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में वो लेना है, फिर जो खाने से हमको गैस बनती है वो खाना अवॉइड करो क्योंकि वो एलर्जी है आपको गैस के लिए, और फिर वो खाना हमको अवॉइड करना पड़ेगा। जब आप एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, कोका कोला जैसे ड्रिंक्स जिससे गैस अंदर जाती है, गैस बनती है, तो वो आपको अवॉइड करने होंगे, स्ट्रॉ अवॉइड करना पड़ेगा। खाने के समय जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से खाना खाना, और पूरा चबा चबा के खाना खाने का है, और खाने के समय बात नहीं करना है। फिर कुछ टैबलेट ऐसे है कि जो इंटेस्टिनल मूवमेंट फास्ट कर दिए, क्योंकि इंटेस्टिनल मूवमेंट यदि स्लो हो गई, मतलब छोटा हाथ बड़ा हाथ जो है उसकी मूवमेंट स्लो होती है तो वहाँ से भी गैस बनती है, तो उसकी मूवमेंट फास्ट करने में ताकि वह आगे बढ़ते जाएंगे खाना, उससे भी फायदा हो सकता है। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एंग्जाइटी डालना जरूरी है, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस वो डालना जरूरी है, और फिर कुछ एलोपैथी की मेडिसिन जो है, जो हमारे तरफ काफ़ी लोग आते हैं कि जो बोलते हैं हमको पेट विकार है और पेट विकार ठीक करो, तो उनका भी इलाज हम भर्ती करके करते हैं। आपका पैकेज यदि अप्रूव हो जाता है तो आपको एक भी पैसा लगेगा नहीं। संपर्क के लिए, अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए हुए कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र,
सीमेंट गोडाउन के पास, स्टेशन के पास, अकोला। थैंक यू वेरी मच।